आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। लद्दाख सेक्टर के चुशुल मोल्दो में रविवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 18वें दौर की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 3 साल पुराने सैन्य गतिरोध का हल निकालने के लिए यह बैठक हो रही है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारत की ओर से बैठक का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली कर रहे हैं। चीनी पक्ष से भी समकक्ष रैंक का अधिकारी बैठक में शामिल है। यह बैठक 5 महीने बाद हो रही है। दोनों पक्षों के बीच कोर कमांडर स्तर की आखिरी बैठक पिछले साल दिसंबर में हुई थी। यह बैठक तब हो रही है जब दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बॉर्डर इलाके में तेजी से निर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं। भारतीय पक्ष देपसांग के मैदानों डेमचोक और दोनों पक्षों के पीछे हटने का मुद्दा बार बार उठाता रहा है। चीनी पक्ष ने 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति को बदलने के लिए भारी हथियारों और बड़ी संख्या में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। भारत ने भी सैनिकों की तैनाती कर इसका जवाब दिया। दोनों पक्ष हालांकि बाद में पीछे हट गए और नई जगहों पर चले गए। इसके बाद पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच मामलों को सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तरीय बातचीत शुरू हुई। बातचीत में दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनीतिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के दोनों को मंजूर हो ऐसा हल निकालने के लिए बात करने को सहमत हुए हैं। हालांकि चीनी पक्ष मुद्दों को हल करने की जल्दी में नहीं दिख रहा है और देपसांग मैदानों जैसे विरासत के मुद्दों पर कोई आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है। वे लंबे समय से भारतीय गश्ती दल को उस इलाके में अपनी गश्ती बिंदुओं पर जाने से रोक रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।